Hey guys, welcome back to our YouTube channel. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट्स के साथ। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस का मार्केट डाउ जोन्स 313 अराउंड 1% डाउन है। S&P 500 1.35% एंड 54 पॉइंट्स डाउन है। नैसडैक 100 1.53% एंड 200 पॉइंट्स डाउन है। यूएस में जब से फेड ने रेट हाइक किया है तब से मार्केट्स में लगातार बिकवाली का माहौल बना। बढ़ते हुए ब्याज दरों का असर हम साफ साफ देख सकते हैं यूएस मार्केट्स में। मेटा प्लेटफॉर्म्स अल्फाबेट जैसे स्टॉक्स 4.5 से 2% डाउन है। अमेजोन एंड एप्पल भी 1-1% डाउन है एंड टेस्ला एंड एनवीडिया 3.3 to 4.3%। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई रेट्स एंड पोटेंशियल रिसेशन का जो खतरा दिख रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसमें कंज्यूमर स्टॉक्स में भी डाउनफॉल आया है, जिसमें नाइकी, होम डिपो एंड कैटरपिलर भी शामिल है। बैंक्स में भी आज गिरावट है। यूएस के बैंक ऑफ अमेरिका 1% डाउन है एंड डाउ का जो सबसे बड़ा लूजर है आज का वो है बोइंग, जो 4% डाउन है, फॉलोड बाय शेवरॉन विच इज अराउंड 4% डाउन। एंड इन सब का कारण कमोडिटीज है, ऑयल फ्यूचर्स की वजह से सब डाउन चल रहे हैं। अगर हम दूसरे मार्केट्स की बात करें तो डैक्स जर्मनी का मार्केट 208 पॉइंट डाउन है। कैक फ्रांस का मार्केट 114 पॉइंट डाउन है। फुटसी यूके का मार्केट 141 पॉइंट डाउन है। एंड आज जापान का मार्केट भी अराउंड 2% डाउन है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा राइजिंग रेट्स एंड इन्फ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ हमक को देखने को मिल रहा है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग अराउंड $109.72 पर बैरल। तो क्रूड ऑयल से भी कोई राहत के संकेत अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल भी एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अपर लेवल जिसका 115 के आसपास है एंड नीचे का लेवल 100 के आसपास है। तो जब तक ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक क्रूड में स्टेबिलिटी आना थोड़ा मुश्किल है। एंड इंडिया में कोई भी बड़ी रैली के लिए हमको क्रूड एटलीस्ट $102 के नीचे का चाहिए। तो जब तक $102 के नीचे क्रूड नहीं जाता है, इंडियन मार्केट्स में कोई भी बड़ी सस्टेनेबल रैली आना पॉसिबल नहीं है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था, डॉलर इंडेक्स अपने मल्टी ईयर हाइज पे चल रहा है एंड वहां पे एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। एंड यूएस में एक्सपर्ट्स का एंड फेड का भी मानना है कि मई जून में ये पीक आउट हो जाना चाहिए। तो अभी हम उसका कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 102.5 यानी कि 102.5, जब तक डॉलर इंडेक्स इसके नीचे ट्रेड नहीं करता है, मार्केट्स में कोई भी बड़ी रैली, सस्टेनेबल रैली नहीं आएगी। तो डॉलर इंडेक्स का 102.5 के नीचे ट्रेड करना नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट्स के लिए। एंड जब तक ये डॉलर इंडेक्स बढ़ता रहेगा मार्केट्स में प्रेशर रहेगा, बिकॉज मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ है डॉलर एंड इंडियन मार्केट्स का कनेक्शन। आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छी बात है ये, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे होंगे, आईटी स्टॉक्स डिस्पाइट ऑफ मार्केट गोइंग डाउन आईटी स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग हैं एंड उनमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। सेम विद फार्मा, तो आईटी एंड फार्मा के लिए बढ़ता हुआ डॉलर इंडेक्स अच्छी बात है। बट मार्केट्स में किसी कोई भी बड़ी रैली के लिए डॉलर इंडेक्स का 102.5 यानी कि 102.5 के नीचे सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं या रिकवरी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स में।
अगर मैं मार्केट्स की बात करूं तो निफ्टी आज पूरे दिन बहुत वॉलेटाइल था एंड अराउंड 109 पॉइंट डाउन, 16,301 पे क्लोज हुआ है। एंड अगर मैं आज के मार्केट्स की बात करूं तो निफ्टी का आज का हाई 16,400 के करीब था एंड 16,142 का लो था एंड 16,301 की क्लोजिंग आई है। ये एक वीक ग्लोबल क्यूज के कारण मार्केट्स में आज डाउनसाइड आया एंड रिलायंस के रिजल्ट्स के बाद रिलायंस आज निफ्टी का टॉप लूजर था, अराउंड 4% डाउन था, जिसने निफ्टी पे सबसे ज्यादा प्रेशर डाला। आईटी ने सपोर्ट करने की कोशिश की निफ्टी को आज। एंड कल की बात करें हम तो कल सिप्ला एंड एशियन पेंट के रिजल्ट्स हैं निफ्टी निफ्टी 50 में। एंड अगर हम कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें मार्केट्स में, तो निफ्टी का सपोर्ट जो है वो है सबसे पहला 16,142, 16,100। अगर निफ्टी 16,142, 16,100 सपोर्ट सस्टेन करता है तो हम एक और रिकवरी रैली देख सकते हैं कल मार्केट्स में। नहीं तो अगर अगर डिसाइसिवली ये रेंज ब्रेक होता है निफ्टी में, देन नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो आएगा वो 15,800, 15,800, 15,800 टू 16,000 का जो बैंड है, ये बैंड जो आपको दिख रहा है सपोर्ट जोन, इसमें आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस मार्केट्स में अभी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 16,480 का ही है। जब तक मार्केट 16,480 के नीचे है तब तक कोई भी बड़ी रैली अपसाइड में आना मुश्किल है। एंड सपोर्ट्स आपका सेम रहेगा 16,140 से 16,100 पहला सपोर्ट, एंड इसके बाद 15,800 से 16,000 का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन फॉर इन्वेस्टर्स। तो निफ्टी में पॉजिटिव अभी जो है वो एक ही चीज दिख रही है, वो अगर हम डेली टाइम फ्रेम से थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो वो है आपका डाइवर्जेंस। आर्ली चार्ट में निफ्टी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देख सकते हैं आर्ली चार्ट में निफ्टी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो अगर कल बुलिश केस बनाना है निफ्टी में तो निफ्टी का 16,450, 16,450 के ऊपर जाना कल की क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। 16,450 ये जो जोन है निफ्टी का, ये क्रॉस करके सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर ये क्रॉस करके सस्टेन कर गया कल निफ्टी, 16,440 अगर आप देखें तो ये EMA 21 भी है ऑन आर्ली चार्ट्स, तो अगर ये क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है कल निफ्टी तो हम 16,800 तक की रैली देख सकते हैं मार्केट्स में, 16,800 तक। एंड अगर कल ये नहीं होता है तो फिर हम कल शाम को डिस्कस करेंगे, पर एक इकलौती पॉजिटिव चीज जो निफ्टी में आया है वो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन RSI। एंड कल अगर किसी भी मार्केट में दिन के दौरान 16,450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 16,800 तक की रैली हम एक्सपायरी तक देखने हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा 12 मई 2022 का है। ये सबसे पहले हम कॉल राइटर्स की बात करते हैं, कॉल राइटर्स कहाँ पे हैं। 16,400 पे अराउंड 32 लाख कॉल राइटर्स हैं, 32 लाख कॉल राइटर्स हैं। एंड 16,500 पे अराउंड 57 लाख कॉल राइटर्स। तो ये जो जोन मैंने आपको दिया है 16,450 का, 16,450 का कि ऊपर उसके क्रॉस करके सस्टेन करना जरूरी है फॉर 16,800 तक की रैली, वो ऑप्शन चेन डेटा में भी हमको साफ देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो 16,400 एंड 16,500 अगर हम देखें तो 16,450 हम चार्ट के हिसाब से देखें तो। और अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स 16,200 पे हैं अराउंड 43 लाख, 16,100 पे हैं अराउंड 24 लाख एंड 16,000 पे हैं हाईएस्ट पुट राइटर अराउंड 60 लाख। तो 60 लाख पुट राइटर्स हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट जोन जो मैंने आपको दिया था 16,100 से 16,140, वो हमको ऑप्शन चेन के डेटा में भी देखने को मिल रहा है।
अगर हम निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर है अराउंड 0.59, नियर अबाउट ओवरसोल्ड जोन। अगर कल मार्केट नीचे खुलती है वापस से तो वहां से हमको इंट्राडे में 50-100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। एंड रेजिस्टेंस सेम है 16450। जब तक इसके नीचे मार्केट है मार्केट में प्रेशर रहेगा, इसके ऊपर निकल के क्लोज होता है या सस्टेन करता है तो 16800 की जगह आपके लिए मार्केट में खुलती हुई दिख रही है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द ईएमएस। निफ्टी बैंक इज बिलो ईएमए 10, ईएमए 21, ईएमए 63 एंड ईएमए 200। एंड अगर हम आज के मार्केट्स की बात करें तो आज के मार्केट्स में भी निफ्टी बैंक में भी निफ्टी के साथ साथ प्रेशर देखने को मिला। आज के निफ्टी बैंक की ओपनिंग थी अराउंड 34,168 एंड आज का लो था अराउंड मार्केट में 33,932 एंड आज की क्लोजिंग हुई है 34,275 पे। तो अब कल के लिए निफ्टी बैंक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी बैंक में है, ये सपोर्ट जोन जो है आपका अराउंड 33,500 to 33,800, यानी कि ये 300 पॉइंट का जो सपोर्ट जोन है कल आपका मार्केट्स में निफ्टी बैंक को सपोर्ट देने का काम करेगा। तो अगर निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है निफ्टी बैंक का है अराउंड 34,750, विच इज हाई ऑफ दिस कैंडल। ओके, तो 34,750 के अराउंड रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके नीचे है मार्केट्स में प्रेशर रहेगा एंड सपोर्ट जोन एंड बाइंग जोन कल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता। अगर हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा में 34,500 के कॉल लाइटिंग में 14,70,000 कॉल लाइटर्स खड़े हैं, 14,70,000, 35,000 के कॉल में अराउंड 21 लाख कॉल लाइटर्स हैं एंड 35,500 के कॉल में अराउंड 18 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटिंग 34,000 पे अराउंड 18 लाख पुट राइटर्स हैं, 33,500 पे अराउंड 10 लाख पुट राइटर्स हैं एंड 33,000 पे अराउंड 12.9 लाख पुट राइटिंग हुई है। निफ्टी बैंक के पीसीआर की बात करें तो 0.58 है, ओवर नियरली ओवरसोल्ड जोन है एंड मार्केट्स में अगर कर डाउन साइड आता है तो जो ये मैंने आपको लेवल दिया है यहाँ पे जाके पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो जाएगा तो वहां से वापस आपको 200-250 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में इंट्राडे देखने को आराम से मिल सकती है। अगर हम एफआईआईज एंड डीआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने आज अराउंड 3,361 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की है एंड डीआईआईज ने अराउंड 3,077 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है। अगर हम जाते जाते एक बार ग्लोबल मार्केट्स फिर से देख लें तो यूएस मार्केट्स अभी भी 1.35% डाउन है, एसएनपी 500 2% डाउन है, नैसडैक 100 2.39। टिप ऑफ द डे आपके लिए होगा, जब तक मार्केट 16,450 के नीचे है ट्रेडर्स को वेट करना है एंड उसके ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेनेबल टाइम पीरियड तक अगर रहता है या क्लोजिंग देता है तो आप 16,800 तक की रैली प्ले कर सकते हैं। उसके नीचे ये इन्वेस्टर्स का जोन है, इन्वेस्टर्स को भी असेंबल होके गुड क्वालिटी लो डेट एंड हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में अक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए। ये बेस्ट जोन है 16,100-16,200 का रेंज अक्यूमुलेट करने के लिए। अगर इससे भी नीचे जाता है मार्केट तो आपको और थोड़ा ऐड करना चाहिए एंड 1-2 साल का व्यू लेके आराम से बैठना चाहिए एंड आपके रिटर्न्स बनने की पूरी संभावना है। यहाँ से आपका डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है मार्केट्स में एंड स्टॉक्स में। तो अभी आपको इन्वेस्टर का माइंडसेट रखना है मार्केट्स में। ट्रेडर के लिए आपको जोन मैंने बता दिया है 16,450 के ऊपर, 16,450 के ऊपर ही ट्रेडर्स को
कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू करनी है, एंड अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं तो डू नॉट कैरी एनी बिग पोजिशन ओवरनाइट इन FNO, स्पेशली ऑन द लॉन्ग साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए। आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।